भारत और चीन की विवादित सीमा पर 45 साल बाद पहली बार किसी की जान गई है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में पिछली रात 15-16 जून की रात चीन और भारत की सेना के आमने सामने के संघर्ष में भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 19 जवान शहीद हो गए हैं। इसके बाद लोग सवाल करके सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसमें सवाल पूछने वालों में NDTV के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार भी हैं। रवीश कुमार भी सवाल करते हुए यह फेसबुक पर लिखते हैं कि कम से कम अभी तक शहीद जवानों के नाम और तस्वीरें साझा होनी चाहिए थी, देरी हो रही है। क्यों देरी हुई पता नहीं। फिल्म अभिनेता की मौत पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री चुप हैं। शायद उनके समर्थक बताने में लगे होंगे कि कोई बात नहीं, अभी कोई चुनाव होगा, आप ही जीतेंगे, जवाब मिल जाएगा। लेकिन शहादत को सलाम करने में देरी कैसी। यही नहीं, पूरा दिन बीत गया संख्या बताने में। रक्षा कवर करने वाले पत्रकारों ने उसी वक्त संख्या को लेकर ट्वीट करना शुरू कर दिया था, मगर सरकारी बयान में संख्या 3 ही रही रात 10 बजे तक। यही नहीं, आधिकारिक तौर पर उनके नाम नहीं बताए गए। खैर, यह बात चटकारे के लिए नहीं है, यह बात है कि हम कब हालात की संवेदनशीलता को समझेंगे, कब तक सूत्रों के सहारे से खबरों को प्लांट कर तीर मारा जाएगा। इससे आप चुनाव जीत सकते हैं, सच्चाई को हरा नहीं सकते। आगे रवीश कुमार ने लिखा है, सतीश आचार्य का यह कार्टून उचित ही पूछ रहा है, आप बनने को तो हर रोज बन जाते हैं, प्रधानमंत्री कब बनेंगे। मीडिया मैनेजमेंट और तमाशे से कूटनीति में TRP का जोश आता है, झूला झूलने से भव्यता आती होगी, कूटनीति इससे तय नहीं होती। प्रधानमंत्री को जनता ने 2 वरदान दिए हैं, एक चुनाव में विजय और दूसरा पराजित और दंडवत मीडिया। स्वीकार करें प्रधानमंत्री जी, कोई इवेंट की योजना बन रही हो तब तो कोई बात नहीं, उसके तमाशे में ऐसे सवाल धूल बनकर उड़ जाएंगे। बैंड बाजा बारात आपके पास है तो तमाशा करने की कला भी आपके ही पास होगी। IT सेल शहादत के सम्मान में जुटा होता तो आज पूछ रहा होता कि शहीदों के नाम क्या हैं, उनकी संख्या क्या है, सीमा पर चीनी सैनिकों का जमघट बनने कैसे दिया गया। लेकिन इस सवालों की कोई कीमत नहीं है। मुझे यकीन है कि लोग राहुल गांधी पर गुस्सा निकाल रहे होंगे, जो कोरोना की तरह इस बार भी चीन को लेकर अपना सर उखली में डाल पूछ रहे थे। देश झूला नहीं है प्रधानमंत्री जी, COVID-19 से लड़ने की हमारी तैयारियां फुस हो चुकी हैं, और फिर भी आप कह रहे हैं कि हमारी तैयारियों का अध्ययन किया जाएगा। ऐसा आत्मविश्वास अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने, अस्पताल बनाने और रोज़गार पैदा करने में होता तो क्या ही बात थी। लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है, राहुल गांधी की है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।